हेलो दोस्तों, गेट स्मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेट 2005 क्वेश्चन ऑन डायरेक्ट मैपिंग। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट मैपिंग के बारे में डिस्कस किया, जिसमें डायरेक्ट मैपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो है कि डायरेक्ट मैपिंग होती क्या है, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स उसमें पॉसिबल है, कैसे हम सीपीयू को रेफरेंस देते हैं, कैसे हम एड्रेस जनरेट करते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमने डिस्कस किए लास्ट वीडियो में कि डायरेक्ट मैपिंग होती क्या है और सब कुछ। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेट 2005 क्वेश्चन ऑन डायरेक्ट मैपिंग। मैं हमेशा दो चीजों पे फोकस करता हूं, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। आपने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया, अब उस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, अप्लाई करना है। उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करोगे, जब आप क्वेश्चंस करोगे, और क्वेश्चंस भी कौन से लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन, मतलब जो ऑलरेडी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन गेट 2005 में आया हुआ है, हो सकता है कोई क्वेश्चन एनटीए नेट में आया हुआ है, कोई आईबीपीएस में आया हुआ है, जो भी पुराने इसरो के क्वेश्चंस है, बाघ के क्वेश्चन है, डिफरेंट पीएसयूज में आए हुए हैं। तो आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस जो है ट्राई करने, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप ट्राई करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो उतना ही पक्का होता जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंसीडर अ डायरेक्ट मैप्ड कैश ऑफ साइज 32 KB विद ब्लॉक साइज 32 bytes। द सीपीयू जनरेट 32-bit एड्रेस, द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द कैश इंडेक्सिंग एंड टैग बिट्स रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे मेरे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो एड्रेस है वो 32-bit का है। एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस जो है वो कितना है, 32 bits का। जो सीपीयू जनरेट करेगा एड्रेस वो 32-bit का। अब 32-bit का एड्रेस जो है वो हमारे पास नॉर्मली डिवाइडेड होता है कैसे, जो MSB bits है, कुछ MSB bits जो है वो बताती है ब्लॉक ऑफसेट। ब्लॉक ऑफसेट का मतलब क्या होता है, ब्लॉक ऑफसेट या ब्लॉक साइज, जो हमने लास्ट वीडियो में पूरा मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया। और जो बाकी की बिट्स हैं वो जल्दी बताती हैं क्या, ब्लॉक नंबर, ब्लॉक का नंबर, कि हम किस ब्लॉक नंबर की बात कर रहे हैं। लेकिन हम यहां पे डायरेक्ट मैपिंग की जब बात करते हैं तो डायरेक्ट मैपिंग में हमने क्या सीखा कि हमने कौन सा ब्लॉक जो है मेन मेमोरी का उठा के हमने किस लाइन में डाला, किस पर्टिकुलर लाइन में डाला कैश की, तो वहां पे मेरे पास जो एड्रेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। मतलब जो टोटल एड्रेस है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो ब्लॉक नंबर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी आपका जो टोटल एड्रेस है वो तीन पार्ट्स में बन गया। अब ये जो ब्लॉक नंबर है इसको लिखने की बजाय आप क्या लिखो, लाइन नंबर, और ये वाली बिट्स आपको क्या बताएंगी, टैग। पहले ये वाला पूरा जितना था क्या था, ब्लॉक नंबर, लेकिन अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टैग एंड लाइन नंबर। तो फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले ब्लॉक ऑफसेट। ब्लॉक ऑफसेट का मतलब है ब्लॉक का साइज। तो ब्लॉक का साइज हमारे पास दिया हुआ है 32 bytes। 32 bytes का मतलब है कि मेमोरी इज अ बाइट एड्रेसेबल। तो बाइट एड्रेसेबल के केस में आपको सिर्फ 32 को क्या रिप्रेजेंट करना है, पावर ऑफ 2 में। मतलब 32 को अगर मेरे को बिट्स में रिप्रेजेंट करना है तो मैं log 32 फाइंड आउट करता हूं, तो वो वैल्यू क्या आई मेरे पास, 5। मतलब 5 वैल्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लॉक ऑफसेट। ये पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हम सब जगह यूज करते हैं कि अगर हमारे पास 32 है, 32 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास कितनी बिट्स लगेंगी, 5, क्योंकि 2^5 क्या होता है, 32। ये वाला पॉइंट हमेशा आप याद रखना। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें कैश साइज की, तो कैश का साइज हमें कितना दिया हुआ है, 32 KB, दैट इज 32 KB। अब यहां पे क्या फाइंड आउट करना है आपको, टैग और लाइन नंबर। लेकिन दोनों में से इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, यहां पे मेरे को लाइन नंबर फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपको कैश का साइज दिया हुआ है, पूरे कैश का साइज कितना है, 32 KB, और कैश को हमने डिवाइड करना है लाइन के अंदर। तो लाइन का जो साइज होता है और वो कैश का जो साइज होता है, मतलब ब्लॉक का जो साइज है और लाइन का साइज है, वो जनरली हम कंसीडर करते हैं इक्वल। तो यहां पे लाइन का साइज जितना भी दिया होगा आपको, या तो लाइन का साइज ही होगा या ब्लॉक का। तो ब्लॉक का साइज हमारे पास दिया हुआ 32 byte, तो आप इसको डिवाइड कर दो 32 byte से, byte से byte कैंसिल, 32 से 32 कैंसिल, मतलब बचा क्या, 1K। 1K का मतलब क्या है, यहां पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई, K क्या होता है, 2^10। मतलब अगर आप फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ बिट्स आपकी कितनी हो गई, 10। लेकिन नंबर ऑफ लाइंस 10 नहीं हुई। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस
10. No, number of lines are 2 raised to power 10. मतलब 1024. और अगर हम numbering देंगे उसको, तो यानी ये बनेगा 0 से लेके 1023. टोटल लाइंस जो है वो 1024 है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितनी बिट लगेंगी, 10 बिट लगेंगी. तो यहां पे क्योंकि 000 से लेके 1023 क्या होता है, 10 टाइम्स 1. तो 10 टाइम्स 1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऑब्वियसली 1111111. तो यानी नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 10. और ऐसी ब्लॉक ऑफसेट मतलब 5. तो इसका मतलब ये मतलब है ना कि ब्लॉक का साइज 5 है, नहीं ब्लॉक का साइज 2 रेस टू पावर 5 है. तो जो भी वैल्यू यहां पे लिखी होती है, अगर उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो 2 रेस टू पावर आपको करना पड़ेगा. अब टैग की बिट आप सिंपली निकाल सकते हो. टैग की बिट कैसे निकालोगे, आपको पता है कि 10 और 5 मतलब टोटल ये वाला एरिया कितना हो गया, 15 बिट का, और टोटल पूरा कितना दिया हुआ है, 32. सो 32 माइनस 15 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 17. यानी टैग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास कितनी बिट बची, 17 बिट. और यहां पे यही पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर कैश इंडेक्सिंग. कैश इंडेक्सिंग का बेसिकली मतलब क्या है, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइन नंबर. मतलब आपको लाइन को नंबरिंग देने के लिए, इंडेक्सिंग क्या होता है, नंबरिंग देना. जैसे बुक्स के आगे हमने इंडेक्स बनाया होता है, उसमें हम नंबर देते हैं, तो वही नंबर यहां पे दिए हुए हैं. तो ये लाइन नंबर 0, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, करते करते लास्ट लाइन क्या है, 1023. तो 1023 इज द मैक्सिमम लाइन नंबर. तो मैक्सिमम नंबर जो है वो ये है. तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बाइनरी में ये एक्चुअल में होता है 1023. तो कितनी बिट हुई, 10. तो यानी आपके पास नंबर ऑफ बिट्स फॉर कैश इंडेक्सिंग 10 एंड नंबर ऑफ टैग बिट्स आर 17. तो यहां पे ऑप्शन आपका जो है वो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. तो इस टाइप के आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो दिखेंगे, विच इज रिलेटेड टू द टैग्स एंड ऑल, कि ये बिट्स आपको फाइंड आउट करनी है. अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. और ये हर साल, मतलब अगर हम गेट, नेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ये वाले न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कैशिंग. सो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना. थैंक यू.